Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। मुमताज, जो अम्मी के कमरे में ग्लास था वो कहाँ है? क्यों बाजी? अरे बताओ ना कहाँ है। ये है, लेकिन देख लो तोड़ा नहीं है। अम्मी, बड़ी अम्मी, दादी अम्मी, भाभी, कहाँ हैं आप लोग? हम इतने सवाब का काम करके आए, आप लोग आके हमें दुआएं नहीं देंगी? अरे रुवान, दुआएं तो हमें दिल्ली की सड़कों पे रहने वाले वो लोग देंगे जिन्हें हम इतनी ठिठुरती ठंड में कंबल बांट के आ रहे हैं। अल्लाह हमारी इस नेक कोशिश को कबूल फरमाए। आमीन भाई आमीन। अल्लाह मियां इसका सलाम है, जरूर देंगे, वो भी अच्छा वाला। भाई ये बात हम जाके बड़ी अम्मी को बताते हैं, बहुत खुश होंगी सुनकर। हाँ, अपने कमरे में आराम कर रही होंगी। चल। आराम नहीं भाई, वो कुरान पाक की तिलावत कर रही होंगी। हाँ, चल देखते हैं। मम्मी किचन में। हा, क्या बात है, पूरा घर महक रहा फिरनी से। आज तुम अच्छे से कार्डियो करके आया हूँ तो 7 से 8 प्याली तो आराम से खा जाऊंगा। वैसे मीठा खाने का ज्यादा मेरा शौक नहीं है, लेकिन इसे देखकर तो मेरी भी नीयत थोड़ी बिगड़ रही है। सच? हाँ। रुहान, एक काम करते हैं, हम ना ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। अम्मी को आराम की जरूरत है, डॉक्टर ने क्या कहा था अम्मी, 3-4 दिन के लिए पूरे आराम की जरूरत है, इसे छोड़िए। अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। अरे अब ठीक। और वैसे भी औरत का मर्ज चाहे जितना बड़ा हो, रसोई में आते ही ठीक हो जाता है। तो 3-4 दिन आराम नहीं कर सकते आप? मेरी बात सुनो, बड़ी अम्मी फिरनी बनाने के बाद भी आराम कर सकती है। बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। अम्मी बंद कीजिए ना इसे। अरे अगर बड़ी अम्मी को फिरनी बनाने के लिए 2 असिस्टेंट मिल जाए तो कैसा रहेगा? क्या बात कर रहे हो रुहान, मुमताज बाजार गई और दुआ दुआ ओढ़नी के ऑर्डर्स में बिजी होगी। भाई मैं उन दोनों असिस्टेंट की बात कर ही नहीं रहा हूँ। तो फिर तुम हकीकत नहीं हसरत हो, ख्वाब में जो ना दिखे वो दौलत हो। किस लिए देखती हो तुम आईना? तुम तो खुद से भी खूबसूरत हो। वाह गुलनाज, तुम्हारे भी क्या कहने। पर हाँ, इस वक्त तुमसे भी ज्यादा कीमती शय गजल है। वो तो ऐसे पत्ते फेंक रही है कि हैरानी भी होती है और खुशी भी। खुदा खैर करे हैदर, तुम्हारी बर्बादी देखकर बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा। देखिए आपके वर्ल्ड क्लास शेफ हाजिर है, बोलिए क्या करना है। माशाल्लाह। मैं बता दूं भाईजान। हाँ। बड़ी अम्मी के पास 2 असिस्टेंट रहेंगे ना। हाँ। उनका काम बहुत आसानी से हो जाएगा, उनको तकलीफ भी नहीं होगी। आप एक काम करो भाईजान, आप ड्राई फ्रूट्स काटो और मैं दूध में करछी घुमाता हूँ। क्या खुशबू आ रही है। थैंक यू बड़ी अम्मी, थैंक यू, मैं ले लेता हूँ। अरे थैंक यू अम्मी, बहुत अच्छा बनाए, ये तो मैं चखूंगा यार। अरे भाई ऐसा नहीं होता, मैं दे रहा हूँ आपको, लेकिन पहले मैं ले लूँ। चुप, ये फिरनी ना तो तुम्हें मिल रही है और ना ही तुम्हें। बड़ी अम्मी, तो आप अकेले खाएंगे ये फिरनी? अरे नहीं नहीं, मेरे लिए नहीं है। तो फिर मेरी छठी औलाद के लिए है। छठी औलाद? यानी मेरी नई बेटी गजल के लिए। बड़ी अम्मी ने कोहिनूर का नाम ले लिया, कुछ बोल भी नहीं सकता। उम्मीद है कोहिनूर को यह फिरनी बहुत पसंद आएगी। वाकई अम्मी,
कल रात को जिस तरह गजल ने आपकी देखभाल की थी, मैं जिंदगी भर उसका शुक्रगुजार रहूंगा। उसने अपनी जिंदगी में जितनी तकलीफें देखनी थी देख ली, लेकिन आज के बाद मैं उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगी। दुआ बेटा, तुम कुछ काम था क्या? ये दुपट्टा आपका है क्या? मेरा? मना मत कीजिएगा, क्योंकि इस दुपट्टे में से वही खुशबू आ रही है जो आप इस्तेमाल करती हैं। ये खुशबू तो कोई भी लगा सकता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम कहना क्या चाहती हो? इसमें कुछ दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, ध्यान से देखिए। क्या कर क्या रही हो तुम करना क्या चाहती हो दुआ? मुझे पता था आपको दिखाई नहीं देगा, इसीलिए ये भी लेके आई हूँ। अब देखिए, अब दिखाई दिया? ये जो पाउडर है इसमें कि आपकी स्लीपिंग पिल्स का है जो आप इस्तेमाल करती हैं। हमारे घर में और कोई भी नींद की गोलियां नहीं लेता सिवाय आपके। और आप जानती हैं नींद किन लोगों को नहीं आती है? जिन लोगों का जमीर साफ नहीं होता। जब आप दूसरों का बुरा सोचते हो ना, तो अल्लाह मियां आपको रात को नींद ना आने की सजा देते हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? बस करिए, आप भी जानती है ना कि कल रात को क्या हुआ, या मैं याद दिलाऊं? मेरे हैदर को मत मारना, जीनत, मेरे हैदर को कुछ मत करना। आंटी क्या हो गया, आप इतनी डरी हुई क्यों है, चिल्ला क्यों रही है? अपनी अम्मी को रोक ले गजल, रोक ले उसे। दुआ बेटा, मैं सफाई देने की जरूरत नहीं है रूहान की अम्मी, अब तो मैं हैदर को बता के रहूंगी, उनको भी पता चले कि उनके पीछे से इस घर में क्या चल रहा है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।